Hi guys, welcome to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and I'm here with the most important topic of CAT1 2021, and that is the static part of the sports. I've already discussed the fact with you that current affairs does not come a lot in this examination, and even if it comes, it, it is hardly from you know certain topics like sports, or you can say it is from the recent awards, or you can hardly find it out from certain appointments. That is it. राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैटिक स्पोर्ट्स पार्ट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार आता है एंड दैट इज रीजन वी नीड टू डू इट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज दैट टर्म्स टर्म्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्रॉफीज से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ठीक है सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ प्लेयर्स ये भी काफी बार यू you नो know, पूछा जाता है थर्ड थिंग इज की आपके डायरेक्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कॉमनवेल्थ हुआ था तो वो कब हुआ था पहली बार इंडिया में कब हुआ था और वी कैन से कि मेडल हमने कौन से जीते हैं कब पहली बार जीते हैं दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दर आर आस्ट ओके एंड दे ऑल्सो आज दैट वेयर इट इज गोइंग टू बी हेल्थ सो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले कहाँ हुआ है अब आने वाले टाइम में कब होने वाला है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज इन दिस देर आर आर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट क्रिकेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कोई भी मेजर इवेंट है या फिर मेजर सक्सेस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू दैट गेम सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन सो हम ये होलिस्टिकली डील करेंगे और हम सिर्फ वो एरियाज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज द लास्ट मिनट रिविजन एंड आई हैव मेड इट वेरी वेरी क्रिस्प एंड एप्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी स्पेसिफिक है एज यू नो लास्ट टाइम सेम वीडियो से जो हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाई थी चार क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट में इन टोटल अगर देखें तो ट्वेल्व क्वेश्चन आए थे सो so, मैं आपको एक बात बता देती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ना है जो भी पढ़ना है डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट एवरी सिंगल पॉइंट इन द वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज योर एशियन गेम्स तो एशियन गेम्स हर चार साल में होते हैं पहली इंपॉर्टेंट बात दूसरी बात कि जब फर्स्ट एशियन गेम्स थे वो किसने होस्ट किए थे वो इंडिया ने ही होस्ट किए थे न्यू डेली में हुए थे और फर्स्ट कब हुए थे 1951 में इंडिया की अगर बात की जाए अ क्वेश्चन इज आज डायरेक्टली कि इंडिया जो है आज तक हाइएस्ट जो मेडल टैली में रहा है वॉट हैज़ बीन द रैंक जैसे कि अगर गोल्ड सिल्वर की बात की जाती है तो इंडिया मेडल टैली जैसे अगर चाइना ने सत्रह जीते हैं तो इंडिया ने मतलब टेन फिफ्टीन जीते हों कुछ समथिंग लाइक दिस कि सेकेंड आया हो या थर्ड आयो सो वेन इट हैज हैपन दिस इज अ क्वेश्चन सो द फैक्ट इज दैट इंडिया जो है इट हैज कम टिल डेट उसकी हाईस्ट पोजिशन फर्स्ट तो कभी नहीं आया बट सेकेंड आया है एंड दैट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी वन इट सेल्फ जब इंडिया ने होस्ट किया था ठीक है सो इंडिया की जो हाइएस्ट मेडल टैली रही है दैट इज सेकेंड और वो कब रही है एशियन गेम्स में रही है नाइनटीन फिफ्टी वन में पहले एशियन गेम्स जो थे वो एशियन गेम फेडरेशन होस्ट कराता था दैट इज स्टिल नाइनटीन सेवनटी एट गेम्स बट नाउ इट इज़ बींग कंडक्टेड बाई ओलम्पिक काउंसिल ऑफ एशिया ये वो बॉडी है जो एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करती है अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं इट इज़ इन कुवेत सिटी ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहाँ है कुवेत सिटी द नेक्स्ट वन इज दैट इंडिया ने कितनी बार होस्ट किए हैं गेम एज वी नो फर्स्ट टाइम नाइनटीन फिफ्टी वन में तो किया ही था आफ्टर दैट इंडिया हैज़ होस्टड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड एटी टू सो टवाइस इंडिया हैज़ होस्टड एशियन गेम्स मूविंग टू द नेक्स्ट वन की कितने नेशनस हैं अंडर एशियन गेम्स सो टोटल फोर्टी फाइव नेशन पार्टिसिपेट करते हैं इजराइल जो था दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर लो अब हम बात करेंगे नाइनटीन्थ वेन्यू दैट इज हमें पता है हर चार साल में होते हैं तो नाइनटीन फिफ्टी वन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इट इज द अटीन्थ वेन्यू नाइनटीन्थ टाइम आपका एशियन गेम्स है सो वेयर इज इट गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी इन यू चाइना ठीक है थर्ड टाइम चाइना होस्ट बन रहा है इससे पहले चाइना 2010 और 1990 में भी होस्ट रहा है ठीक है नाउ द थिंग इज़ कि थर्ड टाइम हेंगजू में है सो टू थाउजेंड में कहा था नो अगर पूछते हैं कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसने एशियन गेम्स को मैक्सिम नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किया है द आंसर सेम विल बी बैंकॉक बैंकॉक ने टोटल फोर टाइम्स एशियन गेम्स होस्ट किए हैं इसके अलावा साउथ कोरिया ने थ्री टाइम्स होस्ट किए हैं दैट इज इन 1986, 2002, 2014 थाउजेंड एंड फोरटीन एंड इंडोनेशिया वाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 2018 इससे पहले जो 2022 से पहले जो हुआ था दैट वाज इन 2018 तो ये कहाँ हुआ था इंडोनेशिया में तो हमें पता होना चाहिए कि इससे पहले भी कभी इंडोनेशिया ने होस्ट किया है यस इट इज इन नाइनटीन फाइन नाउ इफ यू टॉक अबाउट की मेडल टैली जो है वो किसने सबसे ज्यादा बार टॉप किया है सो द आंसर फॉर द सेम इज़ चाइना चाइना कॉन्जिक्यूटिवली टेन टाइम्स विनर रह चुके हैं मतलब टेन टाइम्स वो फर्स्ट पोजिशन पर रहे हैं रिलेटेड टू मिडल टैली ठीक है और अगर हम अभी की बात करते हैं सो सिंस नाइन्थ एडिशन टिल करंट एडिशन दैट इज योर नाइनटीन्थ चाइना जो है वो ऑलमोस्ट टेन टाइम्स बन चुका है विनर ठीक है अगर हम बात करें कि इससे पहले दैट इज नाइंथ एडिशन से उसने स्टार्ट किया था अभी एटीन तक वो जीते हैं राइट सो नाइनटीन्थ अभी इट इज येट टू बी देर इससे पहले एट टाइम कॉन्जिक्यूटिवली जपैन ने टॉप किया है फाइन सो फर्स्ट से एट्थ जो है दैट वॉज जापैन नाइन्थ से लेकर एटींथ एडिशन तक वॉइज योर चाइना ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछे कि मिडिल टैली आज तक सबसे ज्यादा किसने जीता है दैट इज योर चाइना these are important names that are associated with the asian games hence we need to know this the first indian jisne win kiya tha asian game ke andar gold medal to wo kaun the the name of the person is sachin nag unhone swimming ke liye kiya tha और उन्होंने 100 meter freestyle में gold medal जीता था 1951 asian games में, ठीक है? next is that who of the following became the first indian जिन्होंने gold medal जीता था in विमेन्स हैप्थुलट the एशियन गेम्स द नेम ऑफ द लेडी इज स्वप्ना बर्मन ठीक है प्लीज याद रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट दू ऑफ दस्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में अब ध्यान देना ये एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है यहाँ पे विमेन्स हैप्थलिन के अंदर है द इज अ डिफरेंस ओके सो द आंसर फॉर द सेम इज कमल जीत इन्होंने 1970 में बैंकॉक वाला जो एशियन गेम हुआ था मतलब 1970 में बैंकॉक में जो एशियन गेम हुए थे उसमें 400 मीटर रेस में एक रिकॉर्ड बनाया था दैट वाज 57.3 सेकंड्स एंड फॉर दैट शी गॉट अ गोल्ड मेडल द नेक्स्ट वन इज दैट विच इंडियन एथलीट होल्ड्स एशियन गेम रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 2002 में तो हमारे देश की सुनीता रानी जो हैं उन्होंने 1500 मीटर रेस के अंदर एक रिकॉर्ड इस्टाब्लिश किया था और वो कब किया था उन्होंने टू में किया था द नेक्स्ट वन इज दैट हाउ मैनी टाइम्स इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन मैंस हॉकी एट एशियन गेम्स तो इंडिया ने आज तक तीन बार मैंस हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है विच विच ईयर इंडिया हैज़ वन द गोल्ड मेडल ये आप मुझे बताएंगे कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग 2018 जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया इंडोनेशिया में हुआ था दैट वॉज इन जकार्ता 2022 ट्वेंटी टू चाइना एंड 2026 ट्वेंटी इज इन नागोया जापान सो आपको ये बात पता होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि इसके मैस्कट क्या हैं अब 2022 के अंदर जो आपके एशियन गेम्स होंगे उसकी अगर हम बात करें तो उसका मोटो इज हार्ट टू हार्ट एंड वेन वी टॉक अबाउट द मैस्कट्स दे आर स्मार्ट ट्रिपलेट्स ठीक है कॉन्ग कॉन्ग लियानडियन एंड चेन चेन तो ये तीन आपके हैं इनको स्मार्ट ट्रिपलेट्स बोलते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि हॉगजू की है हॉगजू जो है दैट इज इन ईस्टर्न चाइना और ये जो मैस्किट है वो ट्वेंटी ट्वेंटी टू एशियन गेम्स के लिए अनवेल किए गए हैं अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं आपको एक बात पता होनी जरूरी है कि ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है इसमें बहुत अलग अलग टाइप के गेम्स खेले जाते हैं ठीक है सो एशियन गेम्स क्या है मल्टी स्पोर्ट इवेंट है सो दीज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वुड रिलेटेड टू एशियन गेम्स अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर वन लाइनर्स और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक IOC के अंडर कब हुए थे सो फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे दैट दैट वाज इन 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 1896 दे वर हेल्ड एथेंस इज ग्रीस ठीक है ओलंपिक्स जो है वो कहां पर होस्ट हुए थे पेरिस में हुए थे वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज 2024 ट्वेंटी फोर में भी पैरिस में ही होने वाले हैं दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट 2024 में समर ओलंपिक्स होंगे पेरिस के अंदर ठीक है इससे पहले 1900 दैट इज आपके सेकेंड ओलंपिक्स और 1924 में पेरिस में हो चुके हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज टोक्यो जो है उसमें ट्वेंटी ट्वेंटी समर ओलंपिक होने थे लेकिन वो नहीं होस्ट हुए बिकॉज ऑफ द फैक्ट की कोरोना सिचुएशन वॉज देयर सो इट हैज बीन रीशेड्यूल्ड इन टोक्यो जपान इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द नेक्स्ट वन इज दट लंडन जो है वो फर्स्ट सिटी बनती है जिसने होस्ट किए हैं तीन समर ओलंपिक्स मतलब पहली सिटी जिसने तीन आज तक समर ओलंपिक्स किए दर इज नो अदर सिटी एल्स दिन लंडन जिसने तीन समर ओलंपिक्स होस्ट किए हों आज तक ठीक है सो इन 2012 आफ्टर होस्टिंग द समर ओलंपिक्स लंडन पहली सिटी बन जाती है जिसने तीन गेम्स होस्ट किए हैं और तीन गेम्स कौन से समर ओलंपिक्स ठीक है द नेक्स्ट वन इज कि बीजिंग जो है ट्वेंटी में फर्स्ट सिटी बनने वाली है जिसमें दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स हो चुके हैं ठीक है ठीके? अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि, कि इससे पहले बीजिंग में कब होस्ट हुए थे ओलंपिक्स ठीक है आफ्टर बीजिंग लॉस एंजल्स जो है वो 2028 में ऐसी सिटी बन जाएगी जिसने दोनों समर एंड विंटर ओलंपिक्स होस्ट किए हैं ठीक है थीके? आज तक जो ओलंपिक्स हैं वो कैंसल हुए हैं 1916, 1940 एंड 1944 में वाई बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर नीज आर अगैन द वन लाइनर्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इज़ द फर्स्ट ब्लैक जिसने लीड किया है ओलंपिक कंटेंजेंट को ऑफ यू एस ए इन नाइनटीन सिक्सटी ओलंपिक्स द नेम ऑफ द पर्सन इज रफेर जॉनसन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग टू द नेक्स्ट वन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने जीता है इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स तो इंडियन जो थे फर्स्ट जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था द नेम ऑफ द पर्सन इज के डी केडी के डी स्टैंड फॉर खजाबा दादा साहेब जाधव ठीक है इनको किस चीज़ में मिला है मेडल आप ये मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन मूविंग टू द नेक्स्ट वन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है ये कौन थे ही was इन द मेल कैटेगरी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल सो द नेम ऑफ द लेडी इज करनाम मलेश्वरी Again आप मुझे बताएंगे कि किस चीज़ में इन्हें मेडल दिया गया है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ वन की आपके फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है ये कौन थे जिन्होंने मेडल जीता है इंडिविजुअल ठीक है दिस पर्सन इज द वन जिन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक्स में हु इज द पर्सन इट इज अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा के बारे में हम ऑलरेडी अवार्ड्स में बात कर चुके हैं आप मुझे बताएंगे कि इनका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में नाम क्यों था ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ओलंपिक टोक्यो 2020 ट्वेंटी पोस्टपोन होके ट्वेंटी वन में हो गए वी वॉ ऑलरेडी डिस्कस्ट इट तो अब जो ये कंट्री है वो अपने फोर्थ गेम होस्ट कर रही है मतलब अगर हम विंटर समर इंक्लूड कर लेते हैं दोनों तो उसके अकॉर्डिंग फोर्थ गेम होस्ट करने वाली है टोक्यो ठीक है मैस्कट क्या है टोक्यो गेम का इट इज़ मराई एंड सोमेति ठीक है सो so ये आपके हैं मेराई और ये आपकी हैं सोमिति ओलंपिक्स की बात करते हैं समर ओलंपिक्स 21 में कहा होने वाले हैं टोक्यो जापान में 24 में इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन पेरिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेम एंड इन 28 इट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट लॉस एंजलिस इफ़ वी टॉक अबाउट विंटर ओलंपिक्स इट वाज हेल्ड इन प्योंग साउथ कोरिया इन टू थाउजंडी में इट इज गोइंग टू बी एट बीजिंग चाइना एंड इन ट्वेंटी इट इज गोइंग टू बी इन मिलान इटली कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉमनवेल्थ गेम हर चार साल में होते हैं तो हमने क्या चीज़ नोटिस की एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक गेम्स हर एक चार साल बाद ही होते हैं ठीक है फर्स्ट इवेंट की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स पर नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी और उसके बाद से ही हर चार साल में ये होस्ट किए जाते हैं इनको पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था फ्रॉ नाइनटीन थर्टी टू नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी वेरी वेरी इट इज नोन एज ब्रिटिश एम्पायर सेम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एंड देर आफ्टर इट वॉज नेम्ड टू बी एज कॉमनवेल्थ गेम्स ठीक है नाउ वेन वी टॉक अबाउट कॉमनवेल्थ विंटर गेम्स एंड पैरा प्लाजिक गेम्स ये हुए थे फर्स्ट टाइम 1958 और 1962 में रिस्पेक्टिवली अगर हम लास्ट एडिशन की बात करते हैं इट वॉज़ इन 1966 एंड 1974 रिस्पेक्टिवली ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये थोड़े ही टाइम के लिए वाले गेम्स रहे थे इट डेंट कंटिन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड फाइन? नेक्स्ट वन दैट इज ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है को को आज तक बार किया है ने 1938, 1962, 82, 2006 अभी था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यू शुड नो दिस कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 2018 थाउजेंड एटीन ऑलरेडी डिस्कस्ड की गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था अब 2022 में बिरमिंगम इंग्लैंड के अंदर होगा ठीक है अगर हम मोटो की बात करते हैं तो इसका जो मोटो है दैट इज गेम्स फॉर एवरी वन ठीक है एंड मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग पहले इनिशियल इट वॉज दैट दर्बिन विल बी होस्टिंग द 2022 ट्वेंटी टू कॉमनवेल्थ गेम्स बट लेटर ऑन इट वॉज चेंज टू बिरमिंगम मे बी द फैक्टर्स की उनके पास इतने फंडस नहीं थे दैट इज वाई इट हैज़ बीन चेंज्ड नाउ इफ यू टॉक अबाउट विच आर दो सिटीज दैट हैस्टड द गेम फॉर मोर देन वंस द आंसर इज ऑकलैंड एंड एडनबर्ग ऑकलैंड में नाइनटीन फिफ्टी और नाइनटीन नाइनटी में होस्ट हुए थे और एडनबर्ग में नाइनटीन सेवेंटी एंड नाइनटीन एटी सिक्स में होस्ट हुए हैं टॉकिंग अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी एज बी ऑलरेडी डिस्कस्ड बर्मिंगम में होने वाले हैं एंड दर्बन ने एज होस्ट विड्रॉ कर लिया था ट्वेंटी सेकेंड एडिशन जो है ये होस्ट होने वाला है ठीक है एंड फाइनली इफ यू टॉक कि ये थर्ड टाइम है इंग्लैंड के अंदर मतलब इससे पहले भी दो बार हो चुका है कॉमनवेल्थ इन इंग्लैंड दैट इज इन 1934 इट वाज इन लंडन एंड 2002 इट वाज इन मैनचेस्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की फर्स्ट बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होस्ट हुए थे सो द आंसर इज हेमिल्टन कैनेडा 1930 में एज बी नो की स्टार्ट हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स सो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वॉज इन हेमिल्टन हैमिलडा इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था 1934 में लंदन में ठीक है सो so, लंदन में हुए थे गेम्स हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यहां पे तो so, 1934 लंदन में हुए थे इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट भी इसी इवेंट में किया था 1930 में नहीं किया था फर्स्ट इवेंट में नहीं किया था याद रखना है ठीक है कॉमनवेल्थ आज तक दो बार नहीं हुए हैं दैट इज इन नाइनटीन एंड नाइनटीन एंड फाइन Moving to the next one, that is India ne host kya hai Commonwealth ko. So, India hosted Commonwealth Games in 2010. Starmark lena. So, these are all the important information that is related to your Commonwealth Games. Olympics. Olympics is held in every four years. When we talk about Olympic rings, there are total five rings and each one stands for one continent. देर आर टोटल फाइव रिंग्स आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होती है राइट एंड दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ फाइव कॉन्टिनेंट एंड वॉज अडोप्टेड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टीन ब्लैक स्टैंड फॉर एफ्रिका रेड स्टैंड फॉर अमेरिका ब्लू स्टैंड फॉर यूरोप येलो स्टैंड फॉर एशिया एंड ग्रीन स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया If you talk about Olympics motto it is citius altius fortius and it means faster higher and stronger and was adopted in 1924 Faster higher and stronger okay When we talk about the flame it was adopted as a symbol in 1928 torch for olympics was introduced in 1936

सो वी टॉक अबाउट ब्रिज देर आर टू टीम्स एंड इन ईच टीम देर आर टू नंबर ऑफ प्लेयर्स ठीक है सो दो प्लेयर होते हैं हर टीम के अंदर लकड़ोज में बारह प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल में पांच प्लेयर्स होते हैं बेसबॉल में नाइन प्लेयर्स होते हैं रग्बी के अंदर फिफ्टीन होते हैं सो so, ध्यान दें दैट सबसे ज्यादा प्लेयर्स आर सीन इन रग्बी ठीक है रग्बी फुटबॉल में फिफ्टीन नंबर ऑफ प्लेयर्स दीज थ्री स्पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हॉकी फुटबॉल एंड क्रिकेट इसमें ध्यान देना है कि ग्यारह प्लेयर्स हैं ठीक है हर टीम में सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे स्टार मार्क कर लो ये इसके आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं द नेक्स्ट वन इज पोलो पोलो में दो पार्ट्स हैं वन इज लाइक द सिंपल वन एंड अनदर वन इज द वाटर पोलो तो वाटर पोलो के अंदर सात हैं और आपके जो नॉर्मल पोलो है दैट हैज फोर नंबर ऑफ प्लेयर्स वॉलीबॉल में सिक्स प्लेयर्स होते हैं एंड नेटबॉल में सेवन प्लेयर्स होते हैं सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है Now, in the next video that is related to sports static, we will be dealing with various sports like cricket, football, and hockey, etc. We will be dealing with all of these sports along with the various important information that is associated and that we need to cover. Okay, so please make sure that you revise this video at least once or twice before the examination, and you will surely find certain questions coming out directly from this video. Thank you so much. Keep studying, keep working hard.